जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जो लोग दूसरों को मारते हैं वो गुड नहीं बैड होते हैं, इसलिए आज से पापा नहीं मोहन। दूसरों को हर्ट करते हो, फिर उन्हें पेन देते हो, फिर मार देते हो, जो किल दे, जैसे तुमने मेरी मम्मा को मारा था। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है? जैसे मेरी मम्मा तुम्हें छूटी, जैसे बाबा तुम्हें छूटी, मोहन तुम्हारी माँ को मारा है, छोड़ के चले जाओ, जैसे मेरी मम्मा तुम्हें छोड़ के चली गई थी। रुक जाओ ना, पता है आज मेरी बेटी ने मुझे मोहन बुलाया है क्योंकि उसे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विलन हूं, और लगेगी भी ना। तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा विलन बना दिया है, तुम्हारी वजह से उसे लगता है कि मैं विलन हूं, क्योंकि तुम तो छोड़कर चली गई ना, और जाते जाते अपना खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा गई तुम। मैं क्या करती मोहन, मैं बहुत मजबूर थी, अगर मेरे बस में होता ना मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती थी। लेकिन पता है तुम्हारे जाने के बाद ना गुनगुन और मेरा रिश्ता खराब हो गया था, लेकिन उस लड़का ने आके उस खराब रिश्ते को बर्बाद कर दिया, नफरत कर दी मेरी बेटी और मुझसे, नफरत कर दी मेरी बेटी मुझसे। क्यों, क्या किया मैंने, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? पता है ऐसे निकल जाते हैं खुशी मिलने में, और जब खुशियां नसीब होने ही वाली होती है ना, तो कोई साला आकर उसे छीन कर चला जाता है। पहली बार जब गुनगुन ने मुझे पापा बुलाया था ना, पापा पापा प्लीज उठो पापा, मैं इतना खुश था कि मुझे समझ में आता कि मैं क्या करूं, कैसे संभालू अपनी खुशियों को, लेकिन भगवान ने मुझे खुशी संभालने का मौका दिया ही नहीं ना, छीन ली सारी खुशी, ले गए अपने साथ। मैं फिर पापा से मोहन बन गया, फिर से खूनी बन गया, फिर से बुरा आदमी बन गया, और ये सब उस राधा की वजह से हुआ है, राधा की वजह से गुनगुन मुझसे नफरत करती है। कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे, कभी नहीं। मुझे लगा था राधा अपने प्यार से मोहन के दिल में जगह बना लेगी, मोहन के पास आ जाएगी, लेकिन इनका रिश्ता तो दिन ब दिन और खराब होते जा रहा है। आज ना आपको अपने पापा से ना ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चलिए उनसे माफी मांग। मैं मोहन को सॉरी नहीं बोलूंगी। तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, तुम मोहन से लव करती हो। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मामा सही कह रहे थे, मोहन तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अगर मोहन केस जीत गया तो राधा को तुम हमेशा के लिए खो दोगे, और फिर मोहन वही करेगा जो उसने तुम्हारी मम्मी के साथ किया था, वो मार देगा राधा को। वो तुम्हें हर्ट भी कर सकता है, और तुम मुझे छोड़ के भी जा सकती हो। गुनगुन ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे बेटा। हे बाके बिहारी जी, वहां मोहन खुद को सजा दे रहा है और यहाँ पे ये दोनों रो रही है, कैसे सब एक साथ जुड़ेंगे? और गुनगुन आप भी किन की बातों पर भरोसा कर रही हैं? अपने उन मामाओं की, याद है ना आपको कि कैसे उन्होंने अगवा किया था आपको?
चलना तो पड़ेगा। जबरदस्ती तो हमसे हमारे पापा भी नहीं कर सकते। उन्मोहन, आपके पापा तो किसी को चोट ही नहीं पहुंचा सकते। पर उसने तुम्हें तो चोट पहुंचाई है ना राधा, तुम मोहन के साथ सेफ नहीं हो, नहीं हो। हमें कुछ भी नहीं होगा, मोहन जी हमें कुछ भी नहीं करेंगे। गुनगुन, आजकल ना बहुत टीवी देखने लगी है, बट चलिए हम ही आपको एक शो बताते हैं। लग जा गले। लग जा गले? हाँ, ये शिव और ईशानी की कहानी है, जो बिल्कुल ना आपके पापा और हमारी तरह बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और छोटी छोटी बातों पर ना लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को जानने और समझने लगते हैं। इसका मतलब क्या? क्या? यही, ये छोटी मोटी नोकझोंक होना ना प्यार में बहुत जरूरी है। जैसे आपके पापा और हमारे बीच होती है, और ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक के वजह से ही ना इंसान एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। गुनगुन, चाहे दो इंसान एक दूसरे से कितना भी अलग क्यों ना, प्यार उन्हें साथ में रहना सिखाई देता है। देखना, आपके पापा को भी सिखा देगा, जैसे शिव और ईशानी को सिखा दिया। ये लोग कितना लड़ते झगड़ते हैं, पर ये दोनों मिलेंगे कैसे, ये जानने के लिए तो देखना होगा लग जा गले। पर ये आता कब है? सोमवार से रविवार हर शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। अच्छा चलिए, अब ये सारी बातों को ना छोड़िए, भूल जाइए, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, चलिए थोड़ा सो जाइए, आइए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।